जीते, भले ही हमारे प्लान कामयाब नहीं हुए लेकिन नाकाम भी तो नहीं थे ना। भले ही जनरल को लगता है कि मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो ये तो मानता है कि मैं यशिका हूँ और यशिका हीर, बस उसकी इसी गलत फहमी का फायदा उठाना है और उसे सबके सामने लाना है, उसे पकड़वा के पुलिस के हवाले करना है। और जैसे आज तूने उसे देखा, सब भी उसे देख लेंगे ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन हीर जी, हमें और ज्यादा होशियार रहना होगा। आपको याद है ना, उसने हमारी शादी वाले दिन क्या किया था? शादी? क्या बोल रहे थे तुम लोग? तुम दोनों की शादी के बाद क्या? नहीं नहीं, हम हमारी नहीं, इनकी और हीर की शादी की बात कर रहे थे। झूठ! तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं जानती हूं मैंने क्या सुना है। ठीक है, तुम दोनों मुझे सच नहीं बताओगे ना, तो कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर जाकर घर वालों को सब सच बता दूंगी। तेरे पापा जी की सारी रिपोर्ट ना डॉक्टर को। ये सब क्या है मम्मी? ये सब किसने किया होगा? हाय रब्बा, हीर पुत्र, मुझे लगता है घर में चोरी हुई है। तू एक काम कर, तू उधर वाले कमरे में देख, मैं इधर देखती हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ। क्या सुनोगी? गाल सुनो मेरी। हमें इन्हें रोकना होगा, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। हाँ जी, मैं सच बताना ही होगा। चश्मा भी? भाभी, अरे बैठिए। और जूनियर, मेरा मतलब आपका बच्चा, मैं तो इस बच्चे को जूनियर ही बुलाऊंगी। तू बुआ है, तेरा जो मन है वो बुला। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुझे देख रही हूं हीर। जीते, ये हमारी हीर है ना? बोलना जीते, ये हीर है ना? सब ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, बस एक ही बार में क्लियर कर दो। कनाडा जाने के लिए कौन से चाहिए, डिवोर्स के लिए कौन से चाहिए? मैं यहां पर बार बार नहीं आ सकता, समझे तुम? लगता है कोई आ गया, सामने के रास्ते से तो जा नहीं सकता। गुरमीत, हुआ क्या है आखिर? मम्मी, कुछ पता चला? तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चोर चोरी करके लेके क्या गए हैं? कुछ भी गायब नहीं हुआ, सारा सामान यही है। मुझे इन्हें सब बता देना चाहिए। हीर, तेनू, तेनू जूनियर की कसम है, मैंनू सच सच दस, तू मेरी हीर है ना? बोल ना, तू मेरी हीर है ना? हाँ भाभी, मैं ही हीर हूँ। हीर, अगर तू मेरी हीर है तो वो कौन है जो हमारे घर में रह रही है? भाभी,
अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पर ना आप भी खतरे में हो सकते हो। और प्लीज आप भी ये बात किसी को मत बताना, सीक्रेट है, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना। हीर, तू किसी मुसीबत में है तो तू मुझे बता सकती है हीर? नहीं जसपा भी, मुझे आप हीर जी की चिंता मत कीजिए, और मैं हूं ना उनके साथ। भाभी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं जो करना चाहती हूँ वो कुछ दिनों में हो जाएगा, और मैं खुद सबको सच बता दूंगी। प्रॉमिस करो कि आप मेरा साथ दोगे। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, अब कैसे मना कर सकती हूँ? और मैं जानती हूँ मेरी हीर जो भी करेगी ना बिल्कुल सही करेगी। अपना ख्याल रख हीर। जीते जीते मैनू माफ कर दे, मैं तेरे ते शक किता है। नहीं नहीं जसपा भी, अब हीर तू एक काम कर, आज पापा जी का ब्लड प्रेशर ना तू चेक कर। मैं जानती हूं तू पापा जी को बहुत मिस कर रही होगी, है ना? अगर कोई पूछे ना तो सीधा कह देना कि जस भाभी ने भेजा है। रब तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बीबी नॉर्मल है, वाहेगुरु तेरा शुक्र है। बस पापा जी को जल्दी से होश आ जाए। आ गया, मैं बस अभी आई। आंटी जी, हीर, अंकल जी को होश आ गया। पापा जी, डैडी जी, आपको होश आ गया। बाबा जी का लख लख शुक्र है, हमारी तो जान ही निकल गई थी। पता नहीं रब ने मेरी बेटी की किस्मत में कितने दुख लिखे हैं। जिससे प्यार था अब वही। अंकल जी आप ठीक हो ना? गुरु तेरा लख लख शुक्र है, तूने लाज रख ली हमारी। बेअंत सिंह जी, तुसी ते डराई दिता सिखा, रब दा शुक्र है तुसी ठीक हो। हीर पुत्र, जरा डॉक्टर को फोन मिला के बात कर। जीते, पापा जी हमें ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे कि वो हमसे नाराज हो? कहीं सच का तो नहीं पता चल गया? एक मिनट, जब पापा जी को अटैक आया था
तब हम इतने टेंशन में थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि जब पापा जी कमरे में आए थे हम एक दूसरे से गले लगे हुए थे, कहीं पापा जी ने देख तो नहीं लिया। अगर पापा जी ने हमें साथ देखा ना ईर जी, तो आपको ये शिकायत समझ रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी बेटी ईर को धोखा दिया। जीते, जब से तुझे सारी सच्चाई पता चल गई है ना, हम बहुत केयरलेस हो गए हैं। हम इतना वक्त साथ में बिता रहे हैं कि चल साबी को भी पता चल गया। अब ना मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब एक दूसरे से दूर रहेंगे, जो भी बात करनी है ना मैसेज पे करेंगे। आज उस यशिका को मैं घर में घुस के मारूंगा और इस तरह कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओहो, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गई। यशिका नहीं, हीर है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैंने आज तक तुम्हें जो भी खबर दी है वो कभी गलत नहीं हुई। और ये मत भूलो, जब से तुम वापस आए हो ना, सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जसपुत्र, चंगा किता जो तू मुझे यहाँ ले आई। हीर से मिलके ना दिल को बड़ी ठंडक पड़ी है सच्ची। जी मम्मी जी, आजा। जी, लेकिन मैं जिस मकसद से आपको यहाँ लाई थी वो तो अधूरा ही रह गया। मुझे जो मौका चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। जसपुत्र, अब आ रही हूं मम्मी जी। पापा जी, जनेल जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जनेल ने मुझ पर गोली चलाई। कपड़ में शीशे के टुकड़े पड़े हुए। वहां कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूं ना, जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हें पता चले ये सारा प्लान ना हीर का था और वो यशिका जो हीर बनकर हमारे घर में रह रही है वो हीर नहीं, हीर की एक दोस्त है। फिर उसे डिओडोरेंट लगाने से रोकने की कोशिश क्यों कर रही थी तुम? वो मैं घबरा गई थी। अब मैं प्रोफेशनल किलर थोड़ी ना हूं। ना ही ऐसे किसी की भी जान लेने की आदत है मुझे। अब समझ में आ रहा है यशिका ने जीते को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो यशिका है ही नहीं, वो तो हीर है। जीते की हीर
बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे साथ तूने, और मैं चल्ला, मैं भी उसकी चाल में फंस गया। और सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी और घर वालों को भी उन्होंने बेवकूफ बनाया। वो तो रब का शुक्र है जनेल कि मैं फोन लेने घर वापस चली गई और मैंने तुम्हें देख लिया। और सुनो, मैंने तुम्हें उस टाइम सिर्फ इसलिए रोका था ताकि तुम जो करना चाहते हो ना, सोच समझ कर अच्छे से प्लान करके करो। क्योंकि वहां वो जीता, हीर और यशिका तीनों मिलकर ना हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। देखो, तुम्हारे इस घर के आसपास भी रहना ना बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए हमें फूक फूक कर हर कदम रखना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो, अब देखो मैं क्या करता हूं। जसवा भी इतनी गर्मी में सर्दियों वाला कोट लेकर बाहर क्यों गई? हेलो। वाह जी वाह, बहुत चलाकी से तुमने मेरा बेवकूफ बनाया यशिका। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूं। ये जरूर जनेल की कोई चाल है, आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब भी उसकी मदद करूंगी। मुझे पता है तुम किसी को नहीं मारोगी, किसी का खून नहीं करोगी, क्योंकि तुम खूनी नहीं हो, लेकिन हाँ तुम लालची जरूर हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है। देखिए, मैं अब तुम पे विश्वास नहीं कर सकती, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो कोशिश मैं दोबारा भी कर सकता हूँ यशिका, तुझे अगर मैं मारने पे आऊँ ना तो ना तो तू रोक पाएगी ना कोई और। देख ले, आएगी तो तेरा ही फायदा है, और नहीं आएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो हीर और जीत का करूंगा। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है, जगह तुम डिसाइड करो मिलने के, कहां मिलना है बताओ। किसी ऐसी जगह बुलाती हूँ जहां भीड़ हो। ठीक है, गुरुद्वारे में मिलते हैं। ओके, आता हूं। आने तो इस हीर को, आने के बाद वो घर वापस लौट कर नहीं जा पाएगी, और दुनिया इसी की बनाई हुई नकली हीर को असली समझेगी, क्योंकि असली हीर तो जिंदा ही नहीं बचेगी। जीते, मैं जनेल से मिलने जा रही हूँ, तू यही रोक और देख कि कोई मेरा पीछा करता है या नहीं। क्या हुआ, तरस आ रहा है ननद पे? नहीं नहीं, तुझे कैनेडा जाना है ना गुरमीत, मैं तुझे कैनेडा ले जाऊंगी। अब तू पैसे का भी इंतजाम करेगी, कहां से लाएगी पैसे? मुझे अपने परिवार वालों से मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। देखो, मैंने तुम्हारा अभी तक साथ दिया है, तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया है वो पूरा करोगे ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कनाडा भेज दूंगा, वहां की सिटीजनशिप भी दिलवा दूंगा, और इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों की बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन उससे पहले
मुझे इस हीर से निपटना है। से मिलने आओ, जरूरी काम है। ये तो जर्नैल की आवाज है, उसका मतलब जज्बा भी जर्नैल के साथ मिली हुई है। हीर, तेनु जूनियर दी कसम है, मैंने उससे सच दस, तू मेरी हीर है ना? हाँ भाभी, मैं ही हीर हूँ। और अब तो उन्हें सब कुछ पता चल चुका है, तब मैं पता चल चुका है कि असल में हीर जी कौन है। हीर जी को बताना होगा। हीर जी का वॉइस नोट। मैं जनेल से मिलने जा रही हूँ, तू यही रोक और देख कि कोई मेरा पीछा करता है या नहीं। अगर जज्बा भी को सब कुछ पता है, इसका मतलब जनेल को भी ये सारा कुछ पता होगा। कहीं हीर जी इनके जाल में तो नहीं फंस रही?